یہِ چھُ بیچ مگر ماؤنِس بیچ हेलो एवरीवन देयर, कैसे आप सब? आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग गुड। बाय द वे वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश व्लॉग। तो अभी तक हमने देखा श्रीनगर से करगिल तक का जर्नी एंड उसमें जो भी रहा, अब देखते हैं आगे। यू पीपल स्टे ट्यून। मजा आ रहा है सबको? बहुत ज्यादा आ रहा है ना? फोटो अच्छे आ रहे? सेक्सी सेक्सी, बहुत सेक्सी। चलो ठीक है यार, सेक्सी तो ऐसा नहीं नहीं वैसे ही बोल रहे हो। अट्रैक्टिव यार वाला, नॉट अ बैड वर्ड सर। तो फोटो शूट हो गया इनका, अभी यहाँ से निकलते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जय भाई, क्या लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया, वर्थ है यार, वर्थ है। मजा? हाँ बहुत। ये एक्सपीरियंस भी अमेजिंग है ना, इतना यूनिक है ना ये एक्सपीरियंस बाइक पे। मतलब इतनी दूर से मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, कन्याकुमारी से, केरला से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, लद्दाख, फिर कभी कुल्लू मनाली से वापस, कभी श्रीनगर से। आई वांट ट्राई इट, मुझे काफी हेक्टिक लगता है। मैं तो सोच के ही डर जाता हूँ कि भाई क्या हालत होती होगी, कितना स्टेमिना चाहिए सब के लिए। चलो जो भी, लेह इज स्टिल 178 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अभी ऑलमोस्ट और 3-4 घंटे लगेंगे क्योंकि हम आराम आराम से जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हंसने के लिए ब्रेक लिया हमने। सॉरी बेचो, सॉरी बेचो। सीरियसली में हंसने के लिए रुके हैं। माना सीरियस नोट, पता है मामी क्या था कि बंगाली लेक जाएंगे घूमने। बंगाली क्या बोलते क्या भी? तो शायद नहीं, मामी ने नहीं, किसी ने पीछे से बोला कि बंगाली लेक जाएंगे। हद है भाई, मतलब पेंगोंग बंगाली क्या है यार। इनफ, ये रेडियो बंद कर। अब देखो तब उसमें रेडियो बजता रहता है यार। 170 km अवे फ्रॉम लेह। अभी भी मतलब यार, अभी भी 3-3.5 घंटे का रास्ता है। 2 hours later अंधेरा भी हो गया एंड वी आर स्टिल 150 km अवे फ्रॉम लेह। उसका रीजन ये है कि रास्ते में बार बार हम रुक रहे थे, कभी फोटो के लिए, कभी खाने के लिए, कभी हंसने के लिए एंड ऑल दैट। ऊपर से अब बारिश बस नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस गाड़ी में फिर प्रॉपर दिखता नहीं है। इसका वाइपर बैठ गया अभी थोड़ी देर पहले। अगर मौसम सही रहा तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे में हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे। 1 hour later हद है, मतलब कितने बेशरम लोग हैं। देखो ब्रो, रुको पैर से कर, मतलब नहीं मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। यही बेशरम लोग, मतलब कैसे, ये 2 दिन से सो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 16 घंटे से ड्राइव पे हूँ, ठीक है, स्टेयरिंग पे हूँ मैं 16-17 घंटे से। देखो कैसे बैठे, मतलब आ जाए यार। हम लोग रुके क्यों है यार शारिफ? हम रुके क्यों है? यहाँ पे एक बंदे को खुले में शौच करने का था, उसे कंट्रोल नहीं हुआ कि जब तक हम किसी रिजॉर्ट या होटल पे पहुंचे। बाय द वे वी आर जस्ट 80 or 75 km अवे फ्रॉम लेह। देन वही ना, 75 अराउंड जो भी है। और अभी हम रुके हैं जो मैंने बोला रीजन। Meanwhile, let's resume our journey again. बहुत hectic. जो रोड है ना भाई, रोड वाला सफर बहुत hectic है कसम भाई। ये ठीक है, लेकिन इसका ब्यूटी यही है ना, रोड, माउंटेन्स, ब्रिज एंड व्यू, लद्दाख की ब्यूटी। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, लेट्स स्पीड अप। यार बहुत दूर है ये, मतलब 450 किलोमीटर। मुझे लगा था ये होगा कोई 200-300 किलोमीटर एंड कोई 8-10 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को आइडिया था नहीं, बट अब क्या ही कर सकते हैं, रेडियो कब सुन। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, अभी पहुंचते हैं कहीं तो फिर मिलेंगे। 20 minutes later और अभी वहां ही उतरा है मेरे लिए नीचे खोबानी लाने, एप्रिकॉट्स
ले ले कोई नहीं। आपको भी उतारने थे 10-20 ब्रो। बकवास नहीं करो ठीक है। तो ये वामी ले आया है यहाँ पे फ्रेश एप्रिकॉट्स पेड़ के उतार के, वो भी लद्दाख की। बस इतनी मीठी नहीं है क्या? अभी टेस्ट करके देखता हूँ। कुछ वही देख रहा हूँ, मतलब ठीक है। अगर कश्मीर में इतनी छोटी होगी तो वो एकदम तीखी होगी, थोड़ी सी मीठी है, पर ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब हम पहले रुके थे वहाँ ज़्यादा बढ़िया थी। अभी खुबानी उबानी छोड़ो ब्रो, निकलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो। मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया था क्योंकि उसको काफ़ी पेन हो रही थी, तो मैंने ऐड करना सही नहीं रहेगा, बट मैं भूल गया था मेंशन करना कि आयल का पैर ट्विस्ट हो गया था खुबानी उतारते उतारते। फाइनली एंटर्ड लेह एंड नाउ ऑन द वे टू होटल। दिस इज द व्यू एंड अभी रात को कुछ कर भी नहीं सकते तो होटल ही जा रहे। 15 मिनट्स लेटर। एक अपना ही बंदा रुका हुआ है इस होटल में, तो हमने उसको बोला कि होटल वाले को बोलो दो रूम चाहिए हमें, क्योंकि मैं जो अभी नहीं देखना, जो भी है जैसा भी है जितने का भी है, हमें बस रूम चाहिए क्योंकि हम सब थके हैं। अभी अंदर आके सीधा सोऊंगा मैं। द नेक्स्ट डे। ऑलराइट, सो इट्स 1:30 इन द आफ्टरनून एंड आई जस्ट वोक अप बिफोर 20 मिनट्स, और अभी मैं मस्त नहा धो के फ्रेश हो गया। कल एक्चुअली लेफ्ट पहुंचते ही थक गया था मैं, तो सीधा होटल में आया, रूम में आया एंड सो गया। तो दो रूम लिए थे हमने, एक तो ये वाला और दूसरा उस तरफ, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सारे लोग सुबह जल्दी उठ के फ्रेश वगैरह हो गए, मैं ही लेट हुआ सबसे। हाविश और अफसोस भी आ गया है, ठीक है, और ये लोग भी आ गए हैं। तो अभी हम लेह में, एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने, अभी हम बाहर जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, लेह एक्सप्लोर करने का प्लान है और भी देखेंगे क्या रहेंगे। और मैं और दूसरे रूम में भी नजर मारते हैं वहाँ क्या चल रहा है। और दूसरे रूम में एकदम शांति है, ठीक है, और आयल का पैर टूट गया था, देखा होगा अपने पीछे, एंड अभी रात में इसको हॉस्पिटल जाके प्लास्टर कराना पड़ा। आयल यू फाइन नाउ? आयल विद ऑल दिस आई थिंक आई शुड एंड दिस ब्लॉग, जो भी आगे का रहेगा हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। सो ड्यू टू एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी पीपल सून, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।